हेलो दोस्तों, तो फाइनली रात के 12 बजे हमारे पास जो है अर्धवार्षिक का रियल पेपर आ चुका है। तो फटाफट से सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी विषय का, तो फटाफट इस पेपर को आप देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक जो है रीडिंग सेक्शन है, अनसीन पैसेज दी गई है और इस प्रकार से 5 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इस अनसीन पैसेज को पढ़कर आप इनकी आंसर आप इसमें ढूंढ सकते हैं इस प्रकार से। और फटाफट से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपको रियल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से आपको एक सेकंड वाली 5 अंक में अनसीन पैसेज पूछी जाती है, इस प्रकार से दी गई है, मार्गी वाली दी गई है इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इस प्रकार से इनको आप अच्छे से एक बार पढ़कर जरूर जाइए। इसके बाद सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन दिया गया है, इसमें आपको नोट्स और टाइटल लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नोट्स और टाइटल लिखना हो तो जो ही आपको इसी अनसीन पैसेज में से ढूँढ कर आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया है आपको, राइट एन एप्लीकेशन जो है टू योर प्रिंसिपल, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपसे एक एप्लीकेशन पूछी गई है। और यहाँ पर जो है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड ऑफ 500 रुपीज़ परचेसिंग सम बुक्स। तो यहाँ पर हम इन दोनों के आंसर देख लेते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन और इस लेटर को। तो दोनों को आपको तैयार करना है, SLC की एप्लीकेशन को आप अच्छे से तैयार करिए, 4 अंक में 100% पूछी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यह जो है SLC की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या इसी को हम TC भी कहते हैं, या CCT ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यह आपसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC की पूछी गई है। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर समझाई गई है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं कि टू द प्रिंसिपल। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया गया है, यहाँ पर आप जो क्वेश्चन में दिया गया उसी स्कूल का नाम आप लिखेंगे। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर आपको SLC लिखना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आई वेक टू स्टेट डेट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन एवरी स्कूल। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हो गया है, इस प्रकार से आप तारीख लिखेंगे। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हीयर, काइंडली इज्यूम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। थैंकिंग यू सर, यू आर ओबीडेंटली। जो भी क्वेश्चन में नाम दिया गया यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दी गई है। इसके बाद जो है इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। बुक बैंक की है, ज़्यादातर पूछी जाती है बुक बैंक की, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटी सी है, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़कर जाइए। यहाँ पर सभी ज़िलों के लिए हम बता रहे हैं, या तो बुक बैंक की आएगी या फिर SLC की आएगी, तो इसको आप ज़रूर पढ़ कर जाइए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपसे 4 या 5 अंक में आपसे निबंध पूछा जाएगा, जो कि 5 अंक में पूछा गया है। राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द टॉपिक फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी कि वंडर ऑफ साइंस के निबंध को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो हम इस निबंध को देख लेते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निबंध दिया गया है वंडर ऑफ साइंस का। यह निबंध जो है 3-4 प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि वंडर ऑफ साइंस का निबंध पूछा गया है? तो उस वंडर ऑफ साइंस के निबंध में जो है साइंस शब्द जरूर आएगा, साइंस शब्द जरूर आएगा। तो इसमें से कम आप यानी कि 4 पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो होता है इंट्रोडक्शन, और सरल भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। आप केवल आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इन्वेंशन मीन्स आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 3 पॉइंट, और चौथा पॉइंट आप कंप्यूटर का याद कर सकते हैं। या फिर नीचे दिया गया है कंक्लूजन, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें से आप जो भी तैयार करना चाहते हैं आप तैयार कर सकते हैं, कोई भी 3 से 4 पॉइंट आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो इस प्रकार से निबंध हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नीचे छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं इनको आप तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी का यहाँ पर 75 वर्ड्स में यहाँ पर आपसे एक पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ पूछा गया है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिट एंड हेल्दी का, इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर शॉर्ट पैराग्राफ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको हिंदी से भी याद कर सकते हैं, यदि आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बनती यहाँ पे तो आप इस प्रकार से कि हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, वी शुड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें अधिक पानी पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें अपना तनाव कम करना चाहिए, वी शुड रिड्यूस अवर स्ट्रेस। तो इस प्रकार से आप पॉइंट के माध्यम से फिट एंड हेल्दी का आप मिनिमम 60 या 75 वर्ड्स में इस प्रकार से शॉर्ट पैराग्राफ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इस पैराग्राफ को भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। बहुत से ज़िलों में यह जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ का शॉर्ट पैराग्राफ पूछा जाएगा, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिया गया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7, जो सेक्शन सी है ग्रामर सेक्शन है, फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको, एनी 5 करने, कुल आपको 6 दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5 करना है। तो ए नंबर का है खालिस्तान सन राइसेस इन द ईस्ट, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप द आर्टिकल लगाएंगे, पहले का आंसर द होगा। दूसरा है आई डिडंट बाय खालिस्तान मैंगोज, तो यहाँ पर एनी इसका राइट आंसर होगा। सी नंबर का ही इज खालिस्तान इंजीनियर, तो एन इसका राइट आंसर होगा। तीसरे में आप एन आर्टिकल भरेंगे। चौथा है यहाँ पर डी नंबर का वी खालिस्तान टू वॉच द मूवी यस्टरडे, तो यहाँ पर आप बेंट भरेंगे। ई नंबर का है देयर इज़ नॉट खालिस्तान वाटर इन द पूल, तो यहाँ पर मच इसका राइट आंसर होगा। एफ नंबर का है दे खालिस्तान कम्प्लीटेड दियर वर्क, तो यहाँ पर हैव इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से लिख लीजिए, इनको आपको तैयार करके ज़रूर जाना है और पेपर को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह आपके जो विज्ञान विषय हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और अन्य सभी विषयों में आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के रियल पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद डूएस डायरेक्टेड पूछे गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोई भी एनी 5 करने हैं। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको आंसर बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो है रीअरेंज सेंटेंस है, सेकेंड है आपको कंबाइन यूजिंग वर्ड से प्रयोग करना है, इसके बाद तीसरा है कि अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इंटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको चेंज करना है, डी नंबर में आपको नेगेटिव बनाना है और ई नंबर के क्वेश्चन में आपको चेंज द सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको चेंज करना है। तो इनके हम आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 के 6 आंसर हो जाएंगे। तो कोई भी आपको 5 अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस प्रकार से 5 प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9, जो सेक्शन सी होता है, इस प्रकार से आपको लिटरेचर का सेक्शन होता है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 अंक में कि वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को जो बुक मिली थी कहाँ मिली थी, फाइंड जो मिली थी। तो यहाँ पर इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर आप लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरे का जो आंसर होगा कि वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ वी आर, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज, यहाँ पर लिखा है सोविंग, तो इस प्रकार से इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। चौथा है कि हु इज़ द ऑदर ऑफ लेसन माई चाइल्ड हुड के जो ऑदर है, जो लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इनके आंसर भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ए नंबर के क्वेश्चन में अनसीन पैसेज पूछी गई है, इस प्रकार से इस अनसीन पैसेज को आप पढ़कर जाइए। और 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन दिए गए हैं।
इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। और क्वेश्चन नंबर 10 के बी नंबर में भी ये कंसीन पैसेज पूछी जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसके आपको आंसर बताने वाले हैं। इस प्रकार से दिए गए हैं जो कि दो दो अंक में पूछे जाते हैं। यदि आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो यह जो है कुल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको एनी 6 कोई भी 6 क्वेश्चन के आंसर लिखना। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, तो 2 × 6 यानी कि 12 अंक यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इनको तैयार कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, इनको आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके बाद हम आंसर क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना कि हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी की उम्र क्या थी। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 अंक में पूछा जाएगा कि मार्गी इज़ 11th ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। केवल आपको इंग्लिश का आंसर तैयार करना है, मतलब लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा जाएगा कि व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो मार्गी रोट ऑन 17 मई 1957 टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक, टेलीबुक के बारे में आप क्या सोचते हो। तो इसको भी आपको तैयार करना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यह क्वेश्चन भी 2 अंक में पूछा जाएगा कि व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट सीखते थे। तो मार्गी एंड टॉमी लर्न मैथ्स, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आप तैयार करें, व्हाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंट इंस्पेक्टर, मार्गी की माँ ने जो है काउंट इंस्पेक्टर को क्यों भेजा था। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसको भी आप तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, यहाँ पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसमें से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन का आपको इस सेंट्रल आइडिया को अच्छे से तैयार करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप तैयार करें कि हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वाज बेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, इसको आप तैयार करें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फर्मड, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो है आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना कि व्हाट डिड औरंगजेब व्हेन द प्लेइंग ऑफ कुंगी, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है। और इस क्वेश्चन को भी तैयार करें कि व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज विग ब्रेक, बिस्मिल्ला खान को पहला ब्रेक कब और कहां किस प्रकार से मिला था, इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसको आप तैयार करें। इसके बाद विंड पोयम से आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। विंड पोयम की जो राइटर है इसको आपको ध्यान रखना है, सुब्रमण्यम भारती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं विंड पोयम के इस ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर आपको जो पोयम की 4 लाइन एंसिन पैसेज में दी जाएंगे उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इसको आपको तैयार करना कि व्हाट डज द पोएट से द विंड गुड विंड नाउस, कवि कहता कि वायु देवता उड़ा ले जाते हैं, इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है इसको आप तैयार करें कि हु वेयर द पीपल इन केजिया फैमिली, केजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे, इसको आप तैयार करें। और व्हाट गिफ्ट एंड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर, केजिया ने अपने पिता के लिए कौन सा गिफ्ट तैयार किया था। तो एक बर्थडे गिफ्ट ऑफ फॉर एक पिन कुशन तैयार किया था, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें।
इसके बाद क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर रहे हैं। व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक, बारिश की बूंदें क्या आवाज़ करती हैं? तो द रेन ड्रॉप्स मेक साउंड ऑफ पैटर ऑन द रूफ, पटपटाहट की आवाज़ करती हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। और यदि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको हर एक विषय के फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन के नाम से है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। व्हाट डिड द हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टीन, आइंस्टीन हेडमास्टर ने जो आइंस्टीन के बारे में क्या कहा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर पढ़कर जाइए कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इन एसफ्री, इन एसफ्री किस प्रकार की जगह है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डॉक्टर हाउस, डॉक्टर के घर का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तीन अंक में पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करते जाइए, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। यदि आप इनको अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हो। इसके बाद इस क्वेश्चन को तैयार करें कि वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। तो इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि तीन अंक में पूछा जाएगा, हु वी आर अब्दुल कलाम फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम, इसको आप तैयार करें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि आपकी दो बुकें हैं, दो पुस्तकों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम सेकेंड बुक के यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप तैयार करें इस प्रकार से, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करके जाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया, इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीचे इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आप पढ़कर जाइए, तीन अंक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीन अंक में यह पूछा जाएगा, इसको भी आप तैयार करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़कर जाइए।